स्वागत करते हैं आप सभी को एक नए वीडियो में और एक नए उमंग के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। सुबह का पहला जो किरण है वो उसके साथ में। तो अभी हम देख सकते हैं गुरुद्वारे के पास में है, राजगीर में जो गुरुद्वारा है उसके पास में है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और गुरुद्वारे से होके हम लोग आ चुके हैं आगे। यहाँ पे एक जापानी मंदिर है जिसका नाम, जो कि जापानी मंदिर है, और इसमें प्रवेश करते ही देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध का एक प्रतिमा बनाया हुआ है और बड़ा मूर्ति है और काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने से। तो चलिए अब दिखाते हैं इस मंदिर का जो कि कलाकृति है और सुंदरता अंदर से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, लाइक एंड कमेंट करके बताएं कैसा रहा मंदिर का दर्शन। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर के बाहर में दो शेर का प्रतिमा बनाया हुआ है। तो अब हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत है अंदर से। और भगवान बुद्ध के साथ साथ यहाँ पे जो भी बौद्ध गुरु हुए हैं और जो उनका पीछे में तस्वीर लगाया हुआ है और काफ़ी बढ़िया है अंदर से। और सुंदरता देख ही सकते हैं कितना कितना अच्छा है। और मंदिर के अंदर शांति भी है। जैसा कि इससे पहले दिखाए थे जो कि शांति स्तूप है पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पे जो एक कमरा और जिसे बोल सकते हैं मंदिर बोल सकते हैं, तो वैसा ही यहाँ भी है। तो शांति अंदर में बहुत ही बढ़िया है। तो अब हम लोग बाहर में आ चुके हैं और यहाँ पे एक स्कूल का जो कि टूर आया हुआ है बच्चे का, वो सब अब अंदर में प्रवेश कर रहा है मंदिर घूमने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए एक बार और फिर से बढ़िया से दिखाते हैं मंदिर का जो कि दर्शन है अंदर से। तो अभी हम मंदिर में फिर से प्रवेश कर रहे हैं और देख सकते हैं बच्चा लोग का जो कि यहाँ पे ग्रुप आया है उसके साथ में, सब यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं। और चलते हैं और भी पास मंदिर के पीछे, भगवान बुद्ध के पीछे, और दिखाते हैं वहाँ से। जैसा कि देख सकते हैं पीछे में और वीडियो में पहले भी बताए हैं कि यहाँ पे जो भी बौद्ध गुरु हुए हैं उनका प्रतिमा बनाया हुआ है और तस्वीर लगाया हुआ है। तो जैसा कि पीछे में देख ही सकते हैं। और यहाँ का जो कि मंत्र है वो भी नीचे में लिखा हुआ है जो कि देख सकते हैं, नमुमयो होड़े गे कियो है। और इसके साथ में जो कि यहाँ पे जिसको हम लोग ढोलक भी कह सकते हैं उसके साथ में जो इसका मंत्र उच्चारण होता है उस समय सुनने पे काफ़ी शांति महसूस होता है। तो अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं और बाहर का दृश्य के साथ साथ और भी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं वीडियो में आगे। और चलिए जैसा कि देख सकते हैं अब इन बच्चों का भी घूमना हो चुका है। तो ये लोग जा रहे हैं और हम भी चलते हैं।
तो जैसा कि वीडियो में हम आगे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान के तौर पे ये बनाया हुआ है। तो इसमें प्रवेश करने के लिए टिकट लेना पड़ता है। तो अभी इसमें कुछ वैसा खास है नहीं, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। और मेरे दाहिने में यहाँ पे एक पार्क बनाया हुआ है जो कि पांडू पोखर जो है इसके अंदर में आता है। तो चलिए, और इसका टिकट कितना है वो भी दिखाते हैं आप सभी को, और उसके अनुसार अगर कोई आप लोग अगर राजगीर घूमना चाहें तो आ सकते हैं। और मेरा यही है कि आप सभी के पास यहाँ का सही मात्रा में जो कि जानकारी है वो आप तक पहुँचाएँ, और आप सभी का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ का कैसा रहा आप सभी का ओपिनियन, और फीडबैक ज़रूर दें। चलिए और दिखाते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बढ़िया बनाया गया है इस पार्क के अंदर में, और दूर से देखने पे काफ़ी बढ़िया लगता है। और भी तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं पांडु पोखर का, और जो टिकट का है वो काफ़ी महंगा है, यहाँ का 500 का टिकट है, 500 के आसपास में है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नालंदा की ओर। तो उससे पहले वेणुवन आता है रास्ते में, तो वहाँ चलेंगे और वहाँ का कुछ दृश्य दिखाते हैं आप सभी को। तो वीडियो में आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे आगे जाने का रास्ता दिया हुआ है। तो चलते हैं, और सबसे पहले वेणुवन रास्ते में आता है तो वहाँ पे चलेंगे, और उसका जो है वो बताएंगे उसके बारे में। तो ये वेणुवन का जो पार्क है उसका मुख्य द्वार है। तो चलिए अब इसमें प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आप सभी को इसके अंदर का, बताते हैं। तो ये तो पार्किंग ग्राउंड हो गया, और इसके अंदर में जो कि दृश्य है इसके अंदर में वेणुवन में होगा। उससे पहले यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे चलते हैं और दिखाते हैं। जैसा कि देख सकते हैं वेणुवन राजगीर लिखा हुआ है गेट पे, और यहाँ का चार्ज काफ़ी महंगा है, 500 का टिकट है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि औरों तक पहुँचे।